खेतबारी चाहिए लहसुन क्या था। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्वागत करते हैं मेरे ब्लॉग पर। सो आज का घर पे ही ब्लॉग है, सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। और गाइस, मैंने सुबह का धंधा ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ, अभी घर पे आया हूँ। सो गाइस, आज घर पे बन रहा है धान की चावल, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भाउजू चावल लाई चाल दे छ। यो चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ स्पेसल डिस बनाउनुको लागि चाहिँ सबै धानको चामल युज गरिँदैछ, अनि यो चाहिँ उखोली। सो गाइस, यो है आजका मेन सेड्युल, हम घरमै ही धान की चावल खानेवाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यता भनी पनि चस्मा लगाउनु कस्तो राम्रो देख्छ त। सो गाइस, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि देसी घरमै कैसे आप धानको चावलमै कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं, इससे बोलते हैं उखली नेपाली में, और ये ऊपर का मूसली। सो गाइस, और भी यहाँ पर बहुत सारा है, अब इसका हम स्पेशल एक चीज़ बनाएंगे जो आज नहीं रिवील करेंगे हम लोग। ये सब आज का शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो जोर तोर को कूट दे जा, दस खेप जस्तो कुर्छ त्यहाँ बिसाइ पनि हाल्छ अब। कतिजनाको घरमा पनि छ होला, कतिजनाको घरमा छैन होला सायद। जो जसकोमा छैन उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो पाराले चाहिँ धान कुट्ने गर्दछ कि बस्तीतिर चाहिँ, बस्तीको। सो गाइस, इसको कुछ के सेकेंड फेज ऐसे हो जाता है, देख सकते हैं आप। और इसको फिर छान के फिर इसको कूटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसका निकलना बाकी है। मतलब इसका ये बाहर का हिस्सा देख सकते हैं आप लोग, ये वाला बाहर का हिस्सा और रह गया है, उसको भी फिर लगा के फिर कूटना पड़ेगा इसको। ये है प्रोसेस, लोकल प्रोसेस। इसे चालने का तरीका यहाँ देख सकते हैं, लड़के लोग नहीं कर सकता, सिर्फ लड़की लोग ही कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा भाउजू भाभी जी बहुत गुस्से में है, आज तो बहुत गुस्से में है। सो गाइस, देख सकते हैं ये वाला रह जाता है थोड़ा थोड़ा, इसका बाहर का हिस्सा अभी तक निकाला नहीं है ना। सो अभी इसको फिर से कूटना पड़ेगा, यही है प्रोसेस लोकल धान का। फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है, लो लो लो। यो 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 यसलाई कुट्न अलिक अर्कै हुन्छ। असली कूटने का स्टाइल, गोठ
एक दो एक कुदाई कुदाई और गाइस ये लास्ट स्टेज, अभी इसको सफेद करना होगा। चावल तो निकल चुका है, अभी इसको थोड़ा सफेद करना पड़ेगा। गाइस फाइनली खत्म हो चुका है हमारा काम, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा इधर इधर देखो बेटी, हाय हाय करो, हाय हाय गर्नु नि छिटो। अब बहिनी कुदेको कुदेको चस्मा लगाएर हाय गर्नु दिदा। अलमोस्ट हमारा काम खत्म हो चुका है गाइस, हालात देख सकते हैं, मेरा पूरा हाथ पे ठेले उठ गया। सो अभी गाय की धंधा करना है, उसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे। सो आप लोगों को ले जाएंगे, चलो गाय। गाइस यहाँ पर स्पेशल डिश बनने के लिए पूरे माने में तौला जाता है। यहाँ से कति माना आना? चार चार माना, तीन माना, तीन माना मात्र भएछ तेरो पनि। गाइस ये धान की चावल है जो अभी यहाँ भिगा के रखा है, देख सकते हैं ऐसे हो रहे हैं, देख सकते हैं धान का चावल। इसका क्या बनने वाला है आदि लोग को तो पता चल ही गया होगा, पर आदि को नहीं, कल बताएंगे हम आप लोगों को। बहुत सेंट आ रहा है इस पे से, बहुत अच्छी सेंट, खुशबू बहुत अच्छा है। आज के लिए ब्लॉग इतना ही, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को ही। सो अभी यहीं पर रखते हैं, और मैं आधी वीडियो शूट नहीं कर नहीं पाया। सो अभी इतना ही ब्लॉग, सो कल मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में। सो अभी कविता की बारी है, कविता सुनिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते दर्शक बहन, आज भी म फेरि आइपुगिसकेको छु तपाईँको साथमा, र आज पनि मेरो कविताको शीर्षक छ रहर। दसैँ सक्यो फेरि तिहार आयो काग तिहार, सजावट रङ्गी चुङ्गी हुँदै होला घर घर। कुकुर पूजा, गाई पूजा, लक्ष्मी पूजा हुने, भैलिनी खेली चेली बेटी घर घरमा आउने, भैलो भैलो भन्दै माइती सबै मिली आउने, देउसी खेल्न अर्को दिनै सल्लाह मिलाइ आउने। देउसी खेल्ने मेरो पनि कति छ नि रहर, बली राजाको हुकुम मान्दै जान्छु म घर घर। देउसी खेल्दै जाने मन छ घरमा दिदी बहिनीको, निधारमा टिका आशीर्वादसँगै लगाउने मन छ चेलीको। धन्यवाद, आजले मेरो कविता यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि भेटौँला तपाईँहरूसँग, र कस्तो हुँदैछ मेरो कविता सुझाउ अनि सल्लाह प्रतिक्रियाहरू पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँसँग लागि